देखिए आज अपन डिस्कस करेंगे एसी सर्किट के अंदर हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो उसके अंदर जो नेट ईएमएफ आएगा और जो करंट आएगा उसके बीच में फेज एंगल कितना होगा, और हम बात थी साथ में ये भी करेंगे कि नेट रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा करंट को। देखो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एसी सर्किट के अंदर हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टर हो तो भाई पूरी एक चेन चली जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे आपको समझ आ जाएगा, या तो पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए जब एसी सर्किट में अकेला रजिस्टर था, फिर आपको ये वीडियो भी आनी चाहिए कि जब एसी सर्किट में अकेला इंडक्टर था, फिर आपको ये वीडियो आनी चाहिए एसी सर्किट में अकेला कैपेसिटर था, फिर हमने कंबाइन करना शुरू किया कि भैया एसी सर्किट के अंदर रजिस्टेंस और इंडक्टर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भैया एसी सर्किट के अंदर रजिस्टेंस और कैपेसिटर है, तो अब इसमें अंदर जो नेट रजिस्टेंस ऑफर हुआ वो कितना होगा, क्लियर है, और अपन का फेज एंगल कितना आने वाला है किस किस के बीच में, नेट ईएमएफ और करंट के बीच में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना ये टॉपिक। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हमारा टॉपिक है एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज। अगर आपको ना ये वाला टॉपिक आता है कि एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और वो इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है तो समझ लो कि आपको ये तो वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बस थोड़ी सी वैल्यू पुट करते हुए चलनी है, क्योंकि वहां बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो पीछे आके देख लो मेरी वीडियो, वहां आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत प्यार से बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। स्टार्ट कर देते हैं। देखो अपन का क्या है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने एक रेजिस्टेंस और एक अपन का क्या है इंडक्ट, वो कैपेसिटर, अपन का कैपेसिटर वो हमने यहाँ पे लगा दिया, जो कैपेसिटर है वो लगा दिया किसमें, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे वहां पर हमने बात क्या की थी, वहां पर हमने बात ये की थी कि भाई इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि सीरीज में हमें पता है वोल्टेज अलग अलग होता है और सीरीज में करंट लेकिन सेम होता है, लेकिन करंट अगर यहाँ से कुछ भी जाएगा तो करंट तो इन्हें सेम मिलेगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। तो वोल्टेज की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है भाई, कंसीडर अ रजिस्टर आर एंड कैपेसिटर सी कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ गिवन बाई, यानी आपने एक रजिस्टर को और एक कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स से सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, भाई बिल्कुल कर दिया है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ओके। रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वोल्टेज की। वैसे तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में वोल्टेज की बात करूंगा, लेकिन डायग्राम से समझा देता हूँ। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ओम के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगा, वी इक्वल टू क्या होगा, आई आर, भाई वी इक्वल टू क्या होगा, आई आर। अब कोई जानना चाहता है कि भाई नहीं हम तो एम्पलीट्यूड में बात करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि मैं जो भी बातें करूंगा इस एलआर सर्किट के अंदर, चाहे फिर आरसी सर्किट के अंदर, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाले सर्किट के अंदर, वो सारी की बातें मैं एम्पलीट्यूड के बेसिस पे करूंगा। तो एम्पलीट्यूड के बेसिस पर हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले लो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा, या कह लो ईएमएफ हो जाएगा, ओके भाई, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर। कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं तो कितना आएगा, कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो वी, इसे मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, इसको मैंने वी आर से डिनोट किया, तो मान लो इसको वी सी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। वी आर वी नॉट पर कन्फ्यूज मत होना, वी आर का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर, लेकिन है तो रेजिस्टेंस का, वी नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। और अगर डिनोट करना हो तो यहाँ पे आर लगा दो, ऊपर आर लगा दो, ठीक है। तो वी नॉट बता रहा है कि भाई पीक वैल्यू, आर बता रहा है कि ये भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, वही प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। वी सी मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा क्या था, रिएक्टेंस, जैसे हमारा इंडक्टर जब पढ़ा था वहां पर रिएक्टेंस था, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यहाँ कैपेसिटर में भी एक रिएक्टेंस ऑफर होता है जिसे हम XC से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको याद होगा XC into I, करंट तो सेम ही रहेगा, तो VC कितना आ गया, XC into I। अगर इसकी भी पीक वैल्यू की बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें, तो क्या बन जाएगा, V नॉट, क्या बन जाएगा, V नॉट, यानी कि अगर V नॉट बन जाएगा तो करंट भी क्या बन जाएगा, मैक्सिमम I नॉट, और XC एज इट इज रहेगा। और अगर मेंशन करना हो कि भाई ये किसका पोटेंशियल, तो यहाँ पे लगा दो C, तो ये आपकी आ गई एम्पलीट्यूड वैल्यू, यानी एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस आर आई नॉट आर, और एम्पलीट्यूड ऑफ पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज आई नॉट एक्स सी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, डायग्राम और अच्छे समझ में आएगा, वैसे डायग्राम तो देख के समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने एलआर सर्किट कर लिया, एलआर सर्किट कर लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, फेज डायग्राम में यहीं पे देख लो, समझा देता हूँ, आगे सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखाऊंगा, सब कुछ डायग्राम में समझा दे रहा हूँ।
आपको पता है, याद होगा कि जब आप किसी भी एसी सर्किट के अंदर अकेले रजिस्टर को लगाते थे तो उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता था। इस बात का मीनिंग ये है कि जब पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू होती थी तो करंट भी मैक्सिमम वैल्यू पे होता था, जब पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू होती थी करंट भी मिनिमम वैल्यू पे होता था, जब पोटेंशियल जीरो करंट भी जीरो, तो यानी कि उसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ पर आई और जो वी आर है यानी पोटेंशियल अक्रॉस आर है उसका क्या है, उनके बीच में कोई भी फेज एंगल नहीं है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता, कोई एंगल ही नहीं होता, न तो करंट लीड करता और न करंट लैग करता, न करंट पीछे चलता न करंट आगे चलता, ना वोल्टेज आगे चलता ना वोल्टेज पीछे चलता, सेम साथ चलते हैं। तो इनका बीच का फेज एंगल कितना होता था, जीरो होता था। ये आपने उस टॉपिक में पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए कि भाई जब किसी भी एसी सर्किट के अंदर अकेला रजिस्टर लगा हो तो वहां पर कितना फेज एंगल बनता है करंट और वोल्टेज के बीच में। बात क्लियर है? अब कैपेसिटर पे आ जाओ। कैपेसिटर वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था, कैपेसिटर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि भैया करंट लीड करता है, इंडक्टर में क्या था, करंट लैग करता था, याद हो तो। इंडक्टर के केस में क्या होता था कि करंट क्या करता था हमारा, करंट वहां पे लैग करता था, पोटेंशियल हमारा क्या करता था, लीड करता था वहां पे VL, और यहां पर करंट हमारा क्या करता था, किसकी बता रहा हूं, इंडक्टर के केस में करंट हमारा लैग करता था वहां पे। अब यहां पे करंट क्या करेगा, लीड करेगा, पोटेंशियल वो पोटेंशियल से आगे करंट है, ठीक है, तो पोटेंशियल से आगे करंट क्या करेगा, लीड करेगा, या कह सकते हो पोटेंशियल लैग करेगा कैपेसिटर। तो ये वाली बात तो आपने जब ये टॉपिक पढ़ा था ना कि कैपेसिटर इन एसी सर्किट, वही समझ में आ गई थी कि करंट हमारा क्या करता है, लीड करता है, यानी करंट आगे चलता है पोटेंशियल से, तो हमेशा पोटेंशियल कितना पीछे चलता है, पाई बाई टू। पूरा डायग्राम क्लियर हो गया? यहाँ पर ये वी आर और वी सी इनके पोटेंशियल दिए हुए हैं, क्लियर है बिल्कुल, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब देखो आगे क्या है। लेट आई बी द करंट थ्रू द सीरीज सर्किट इन एनी इंस्टेंट, देन अगर मान लो इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, नंबर वन बात की है, वी आर, वी आर कितना होगा, आर आई। ये मैं अभी भी समझा चुका कि भैया पोटेंशियल जो रजिस्टर के अक्रॉस होगा वो आर इंटू आई वैक्टर, ठीक है। आई वैक्टर मतलब क्या, फिर से बता दे रहा हूँ, वहां भी बताया था मैंने कि भाई फेजर्स को वैक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, जब भी फेजर्स को ऐड किया जाएगा, फेजर्स मतलब कौन, जो साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटी होती है, साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटी में हमारे दोनों आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट भी साइनसोइडल क्वांटिटी में आ रहा है और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी साइनसोइडल क्वांटिटी में आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वेक्टर तो फॉलो करते ही है, साथ के साथ फेजर्स भी फॉलो करेंगे, और फेजर्स में कौन, वी और आई जो हमारे ऑल्टरनेटिंग है, तो सीधी सी बात है वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। तो वोल्टेज हमारा कितना हो गया रजिस्टर के अक्रॉस, वी आर, बढ़िया। विल बी इन फेज विद द करंट आई, ठीक है, सेम फेज में है, वो भी क्लियर है। सो फेज वी आर एंड आर इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, द एम्पलीट्यूड ऑफ वी आर इज वी नॉट आर आई नॉट आर, वही वाली बात लिखी है जो मैंने आपको समझाई थी मेरे भाई। इन्होंने बोला था कि भैया पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर होगा आर इन टू आई, और फिर इन्होंने बोला कि भैया वो सेम फेज में है तो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वही चीज लिख दी, वो मैंने वही समझा दी आपको डायग्राम में। अब वो कह रहे हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ, अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, उसकी पीक वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो पीक वैल्यू वहां मैंने समझाई थी वी नॉट, रजिस्टर के अक्रॉस है तो आर, तो कितना हो गया वी नॉट आर इक्वल्स टू भैया करंट भी मैक्सिमम लगा दो, यानी आई नॉट और आर, इक्वेशन वन। यानी ये बात हो गई एम्पलीट्यूड ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस आर। अब भैया उसकी बात अक्रॉस कर ले रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, तो वी सी की बात करते हैं। तो वी सी जो होगा किसी भी पॉइंट पर कितना होगा, आई इन टू एक्स सी, यानी उसका रिएक्टेंस। लेकिन यहां पर भी क्या है, एम्पलीट्यूड निकालने को बोलेगा, और साथ के साथ इनका वो भी बताएगा कि फेज एंगल कितना है, वो आप पहले पढ़ चुके हो और मैं डायग्राम में भी समझा चुका हूं। किसमें क्या था, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से। तो देखो द कैपेसिटेंस लैग वी लैग बिहाइंड द करंट आई इन द फेज बाई पाई बाई टू रेडियन। तो बात एक ही है, या तो कर लो पोटेंशियल लैग कर रहा है, या तो क्या कर लो भाई, सीधी सी बात है ना, कोई चीज आगे है कोई चीज पीछे है, तो या तो कहो कि भैया ये पीछे है इससे, या कहो ये आगे है, बात तो एक ही है ना, या तो कहो आई आगे है वी से, चाहे बोलो वी पीछे है आई से, मीनिंग तो सेम है ना, वही वाली बात है, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि करंट इन फेज बाई पाई बाई टू रेडियन कितना है, लैग का वो कर रहा है अक्रॉस, वी लैग बिहाइंड द करंट आई इन फेज बाई पाई बाई टू रेडियन, तो वी हमारा लैग कर रहा है, ओके।
So phasor we see like pi by 2 radian clockwise with respect to the phasor I. यानी कह रहे हैं अगर इस हिसाब से किधर होगा clockwise मिलेगा. यानी जहां भी आप करंट को ड्रॉ करोगे, यहां पे आप करंट फेजर को ड्रॉ करोगे या फिर इस करंट का एम्पलीट्यूड दिखाओगे, उस वेक्टर से आपको क्लॉकवाइज पाई बाई टू जाने पर क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा. ठीक है, और एम्पलीट्यूड उसमें जो वो था हमारा एलआर सर्किट था, यानी कि जिसमें हमने इंडक्टर वाली बात की थी, इंडक्टर में क्या होता था, एंटी क्लॉकवाइज जाने पर मिल रहा था. एंटी क्लॉकवाइज जाने पर क्यों मिल रहा था, क्योंकि वहां पर वी लीड करता था. क्लियर है, तो अब क्लॉकवाइज जाने पर मिलेगा. क्लॉकवाइज कितना चलना है, पाई बाई टू. जैसे ही पाई बाई टू चलोगे आप वी के पास पहुंच जाओगे. क्लियर है, अब वही बात आती है भैया, इसका एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं. एम्पलीट्यूड क्या होगा, वही वी सी. इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वी नोट. और सी क्यों लगा दिया, कि भाई बताना तो पड़ेगा पीक वैल्यू किसकी, वोल्टेज की अक्रॉस कैपेसिटर, तो वी नोट सी. आई नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गया. एक्स सी उसका रिएक्टेंस हो गया कैपेसिटर का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, तो एक्स इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं है. बिल्कुल जो हमने वो किया था ना एलआर सर्किट, उसी में वैल्यू पुट करते जाएंगे एक तरीके से. क्लियर है, इसको नोट करना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं. नोट कर लिया हमने भाई. ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करने वाले पोटेंशियल, अब इसका अपन बनाने वाले हैं डायग्राम. किसका, कि जो वोल्टेज है हमारा, अब हमें नेट वोल्टेज भी तो निकालनी है. अब हमें यही पता चल गया कि हमारी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितनी है, हमें यही पता चल गया हमारी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी है. अब हम नेट वोल्टेज भी तो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी वोल्टेज किसकी तरह बिहेव कर रही है, वेक्टर. तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे. और फिर निकालेंगे फेज एंगल, किस किस के बीच में इफेक्टिव वोल्टेज या नेट वोल्टेज या टोटल वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में. तो निकालते हैं, देखो ध्यान से समझना. हमने एक डायग्राम लिया, डायग्राम में खुद बना के दिखा रहा हूँ. मैंने कहीं पर भी करंट को ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया करंट. अब अगर आपका करंट यहाँ पर है, तो आपको पता है कि अगर रजिस्टर की वजह से देखो तो करंट के अलोंग ही आपको रजिस्टर मिलेगा, यानी रजिस्टेंस का पोटेंशियल मिलेगा. तो भैया वी आर तो इसी के अलोंग है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ. मैंने तब भी बोला था कि जब भी अकेला रजिस्टेंस एसी सर्किट में लगाया जाता है, तो अपन का फेज एंगल जीरो होता है पोटेंशियल और करंट के बीच में. या ऐसे कहो कि पोटेंशियल और करंट एक साथ चलते हैं जहां भी चलते हैं. तो भैया ये बात हो गई आई की और वी आर की. अब करंट तो दोनों के पास ही सेम जा रहा है, एसी सर्किट है, कैपेसिटर पे भी सेम जा रहा है, और हमारा किस में सेम जा रहा है, उस रजिस्टेंस में सेम जा रहा है. तो यही करंट कहां यूज हो रहा है हमारा, कैपेसिटर में. अब उन्होंने क्या बताया था कि जब कैपेसिटर को कहाँ किया जाता है, एसी सर्किट में रखा जाता है, तो उसका पोटेंशियल लैग करता है करंट से, या ऐसे कहो करंट लीड करता है पोटेंशियल से. और उसमें बताया गया था अभी कैसे पता करोगे, करंट से क्लॉकवाइज चलो 90 डिग्री, आप पोटेंशियल के पास पहुंच जाओगे. ठीक है, चलते हैं यहां से, चलो 90 डिग्री, तो 90 का बन जाएगा लगभग यहां कितना, 90 डिग्री. तो इसका 90 डिग्री चले तो हमें मिल गया भैया VC, यानी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर या पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस. क्लियर है बिल्कुल बात. तो भाई हम इसको हमने 90 डिग्री में बना दिया, यहां तक कोई भी डाउट. तो अब इस डायग्राम को कैसे देखो, VC और VR इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री. और हम जानते हैं जब भी दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो, उनका रिजल्टेंट कहां से जाता है, उनका रिजल्टेंट जाता है कहीं मिड में से. कहां से जाता है, मिड में से जाता है. उनका रिजल्टेंट निकाला कैसे जाता है, उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है अंडर रूट में वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर. याद है ना, ये तो भाई दो वेक्टर को तो कैलकुलेट करना पता होगा ना, कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, इस वेक्टर का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट में. ठीक है, तो भाई हम यहां पे करेंगे. तो भाई पहले लोग हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम नेट ईएमएफ टोटल ईएमएफ निकालना चाहते हैं, तो जो वी आर है हमारा पोटेंशियल अक्रॉस आर है उसका वेक्टर, और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है उसका वेक्टर, दोनों को ऐड करेंगे. और जैसे ही ऐड करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करेंगे, हमें ई वेक्टर मिल जाएगा. यानी कि नेट ईएमएफ टोटल ईएमएफ किसके अंदर, आरसी सर्किट के अंदर, यानी जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं उसके अंदर नेट ईएमएफ पता चल जाएगा. तो पता करते हैं कितना आएगा. डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम समझ लो. वी आर और आई हमारा इस डायरेक्शन में है, वी आर और आई हमारा इस डायरेक्शन में हमने बनाया. ये तो हमने रैंडम कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वी आर और आई डायरेक्शन में है. अब हमें पता था कि भैया आई से
जो हमारा I है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है पोटेंशियल से कैपेसिटर के अंदर पाई बाई टू, या कहो पोटेंशियल लैग कर रहा है करंट से पाई बाई टू। और पता करने के लिए क्या बोला था, करंट से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा भाई पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। तो जैसे हम क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री तो मैं पता चला भैया वीसी तो ये रहा, अब वीसी ये रहा, वीआर ये रहा। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जब भी दो वेक्टर, क्योंकि फेजर तो वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जब भी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, इनके बीच में से जाएगा, तो नेट ईएमएफ इससे हो गया ई नॉट। क्लियर? अब रही बात एंगल की, एंगल की बात कर लेता हूं। फेज एंगल किसके बीच में होता है आप बताओ, फेज एंगल होता है ईएमएफ और करंट के बीच में। अब चूंकि यहां पर दो दो है, एक तो ईएमएफ है रेजिस्टेंस की वजह से और एक ईएमएफ है आपका किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कौन सा ईएमएफ लेंगे। तो मैंने मेंशन शुरू में कर दिया था कि मैं जो फेज एंगल निकालूंगा वो नेट ईएमएफ जो होगा किस किस का, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का और करंट के बीच में जो एंगल होगा उससे निकालूंगा। और हम उसको किससे डिनोट करते हैं फेज एंगल को, फाई से। तो फाई हो गया ये मेरे भाई किस किस के बीच में, इस करंट के बीच में और इस नेट ईएमएफ के बीच में। इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, फेज एंगल। क्या बोल रहे हैं, फेज एंगल, जिसको फाई से डिनोट किया। क्लियर है? अब जो ये है हमारा क्या बोलते हैं ये E है, वो कितने एंगल पर है, मान ली ओमेगा टी पर है, कितने पर है ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारा ओमेगा टी पर हो गया इससे हॉरिजॉन्टल से, और ये तो पता ही आपको I से लेके VC तक आने के लिए हमने कितना बनाया है, 90 डिग्री का बनाया है। बिल्कुल सारी बातें क्लियर है, यानी अगर मैं यहां पर देखू I के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, I का हॉरिजॉन्टल से तो ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी जो यहां पर करंट है, जो हमारा करंट है इस टाइम पर, इस टाइम पर करंट यहां पर है क्योंकि रोटेट वेक्टर रोटेशन में क्या कर रहा है, ये रोटेट करते हुए चलेगा, तो अभी तो फिलहाल यहां रुका हुआ है ना, तो फिलहाल रुका हुआ है तो करंट का कितना एंगल है, करंट का एंगल है याद रखना, अभी वहां पर भी यूज होगा आगे, इसलिए पहले बता दे रहा हूं ओमेगा टी ई तक का फाइव यहां तक का, यानी ओमेगा टी प्लस फाइव इतना करंट का एंगल है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाऊंगा, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लो। ये वाला डायग्राम वैसे एस एल अरोड़ा की बुक में बना हुआ है, मैं ज्यादातर डायग्राम बुक से ही उठा रहा हूँ ताकि जब आप बुक को पढ़ोगे ना मेरे भाई तो आपको वो डायग्राम अच्छे से समझ आ सके। ये सारे डायग्राम मैं बुक से उठाता हूँ इसीलिए। क्लियर है? आगे बढ़ू। ओके, तो जब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इस वी आर और इस वी सी का, इस वी आर और वी सी का क्या निकालूंगा मेरे भाई, इस वी आर और वी सी का मैं जब नेट ई एम एफ निकालूंगा, नेट पोटेंशियल निकालूंगा, तो कैसे निकलेगा, दोनों परपेंडिकुलर है, मुझे पता है कि नेट ई एम एफ कितना निकलेगा, ई नोट का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कह रहा है वी नोट रेजिस्टेंस के क्रॉस उसका स्क्वायर प्लस मैक्सिमम ई एम एफ या मैक्सिमम वोल्टेज किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी कि वी सी इसका स्क्वायर। क्लियर है ना? मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। V नोट R का मतलब क्या है, V नोट बताना चाह रहा है एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू, R बता रहा है अक्रॉस रजिस्टर, और V नोट बता रहा है एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, C बता रहा है आपका अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दो। V नोट R की वैल्यू कितनी थी, वहां पे आपने निकाली थी स्टार्टिंग में, कितनी आई थी, I नोट और R इसका स्क्वायर, तो देखो वही लिखा है I नोट R इसका स्क्वायर प्लस V नोट C की वैल्यू लगा दो, कितनी आई थी I नोट और इसका जो रिएक्टेंस था वो कितना था XC इसका स्क्वायर, तो देखो I नॉट XC का स्क्वायर, कोई दिक्कत, I नॉट का स्क्वायर, I नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब I नॉट का स्क्वायर क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो आपका अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, हाँ के ना, और यहाँ क्या चल रहा है E नॉट का स्क्वायर, E नॉट का स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब I स्क्वायर को इधर ले आओ, तो E नॉट का स्क्वायर अपॉन I नॉट का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये ई नोट का स्क्वायर है, आई नोट का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, होल स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसको क्या लिख लूंगा, होल स्क्वायर लिखूंगा, जब मैं इसको होल स्क्वायर लिखूंगा तो उधर जाने में क्या बन जाएगा, अंडर रूट भाई, ये होल स्क्वायर बन गया। अब इस होल स्क्वायर को कहाँ ले जाऊँ, उधर ले जाऊँ तो अंडर रूट बन जाएगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी ई नोट अपॉन आई नोट इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो लिख देता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दूंगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब याद करो ई नोट अपॉन आई नोट क्या होता है, या फिर वी अपॉन आई, ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ जो कहता था वी अपॉन आई किसके इक्वल होता है,
भैया जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है सर्किट के अंदर, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो ये मेरी वैल्यू है वो एक तरीके से नेट रेजिस्टेंस को बता रही है। यानी कि जब आपने एक एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को और रेजिस्टर को एक साथ सीरीज में लगाया हुआ है, तो उन दोनों की वजह से उस सर्किट के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है वो इतना किया जा रहा है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हमने क्या बोला था, इसी को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस यानी कि जेड। तो यानी जेड इक्वल टू क्या हो गया मेरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि वो जो सर्किट है कौन सा, आर सी, जिसके अंदर रजिस्टर तो कैपेसिटर लगे हुए हैं, उस सर्किट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है एसी करंट को वो कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, इंपीडेंस हो गया इस सर्किट का। ओके ब्रो, ठीक है, आगे क्लियरली अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सीआर सर्किट व्हिच अपोज और इंपीडेंस द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, इट इज कॉल्ड इट्स इंपीडेंस एंड इज नोटेड बाय जेड। वही बात रिपीट करके लिखी हुई है जो मैंने अभी बोली। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, समझ आ गया कि भाई क्या है? अब ठीक है, अब ये वाली बात तो हो गई हमारी कि अपन को जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो इतना होता है, वो हमने लिख भी दिया। अब वही वाली बात है, यहां से आई नॉट की वैल्यू निकालना चाहो, आई नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो, तो ई नॉट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही लिखा है ई नॉट अपॉन अंडर रूट में, ये इधर आ गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या रहा आई नॉट, तो आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर जरूरत पड़े तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट उस सर्किट के अंदर इतना होगा। ओके ठीक है, नोट करना, नोट कर लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही वाली बात आ जाती है कि जेड की वैल्यू तो पता चल गई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पे एक्स की भी एक वैल्यू होती है, तो भैया वो पुट कर दी, एक्स की वैल्यू क्या होती थी याद करो, जब हमने वहां पे लिखाया था रिएक्टेंस तो क्या थी, 1/ωc। अब 1/ωc यानी इसका स्क्वायर है तो इसका पूरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा सी का होल स्क्वायर सॉरी ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू होता है 1/ωc, 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए 1 रख दिया, इसका स्क्वायर बना दिया। तो आप ये भी कह सकते हो कि भैया जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 1/ωc2। ओके तो अब बात करते हैं इस बार फिर से फेज एंगल की, जैसे हमने वहां बात की थी ना एलआर सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाले सर्किट में क्या की थी, भैया जो एंगल बनना है नेट ईएमएफ और करंट के बीच में उसको फेज एंगल बोलते थे। सेम यहां पर है कि जो अपन का फेज एंगल है फाई बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट इज, तो नेट ईएमएफ पता चल चुकी, करंट पता है, फाई उसके बीच का एंगल है, बस कैलकुलेट करना है, डायग्राम पे पहुंचते हैं। क्लियर है? ये तो समझ आ ही जाएगा, डायग्राम पे पहुंचते हैं। पहले डायग्राम क्या था हमारा, ये रहा डायग्राम। अब देखो नेट ईएमएफ कहां है हमारा, नेट ईएमएफ भाई हमारा ये रहा, नेट ईएमएफ ये रहा हमारा, ठीक है। करंट किधर है, करंट हमारा ये है। तो फेज एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट, तो भैया ये हो गया फाई, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, इसको अलग से बनाता हूं उस ट्रायंगल को, ठीक है। तो अभी निकलती है इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू यानी फेज एंगल की वैल्यू। तो देखो फाई की वैल्यू कितनी निकल के आती है, फेज एंगल की वैल्यू अपन की निकल के आएगी, फेज एंगल तो पहले वो बना लेता हूँ डायग्राम। ये क्या है मेरा, ये है मेरा वी आर, ये है मेरा वी आर, ठीक है। और ये क्या है मेरा यहाँ पर, ये मेरा है नेट ईएमएफ यानी कि ई नॉट, या फिर ई बोल दो, ई नॉट मत करो, ई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो नेट ईएमएफ को शो कर रहा है। आगे तो जो ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये कितना होगा, ये परपेंडिकुलर क्या इसके इक्वल होगा, नहीं होगा भैया, ये और ये आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल इक्वल, तो रेक्टेंगल बन रहा है, ये वी सी है तो वो भी क्या होगा वी सी, तो भाई ये मेरा बन गया वी सी। अब मुझे हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है परपेंडिकुलर पता है, अब बताओ क्या लगाऊं ऐसा कि मुझे ये एंगल जो कि इनके बीच का, तो भैया फाई है, नेट ईएमएफ और आपके करंट के बीच का एंगल कितना, फाई फेज एंगल, तो ऐसा क्या लगाऊं इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जिससे मेरा फाई निकल आए। और क्या क्या पता है मुझे, एक तो मुझे एच पता है जो मेरा वी आर है, एक मेरे को पी पता है वो मेरा वी सी है, तो क्या करें हम टेन थीटा लगा देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अपना वी सी, परपेंडिकुलर कितना है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है तो मैंने वी सी लिख दिया, और हाइपोटेनस कितना है मेरा वी आर, तो यहां से मेरा निकल आया
tan phi इक्वल टू, क्योंकि थीटा मेरा कितना है phi, तो tan phi इक्वल टू VC अपॉन VR, phi निकालना चाहते हो tan इनवर्स कर दो, लो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ VC अपॉन VR। तो ये मेरी बात हो गई फेज एंगल को कैलकुलेट करने की, और यही बात मैंने वहां लिखी होगी कि tan y इक्वल टू VC अपॉन VR। पहुंचते हैं, देखो tan y इक्वल टू VC अपॉन VR, लेकिन फिर से वही बात, ये लोग क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को ही लेके चल रहे हैं हर जगह। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो हमने क्या लिखा था, अभी हमने लिखा था कि भैया tan phi इक्वल टू है हमारा VC अपॉन VR, ये तो लिखा था tan phi इक्वल टू VC अपॉन VR। अब ये कह रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड लो V और इसका, दोनों V का, यानी जो कैपेसिटर के अक्रॉस V है और जो रेजिस्टर के अक्रॉस V, इसका एम्पलीट्यूड लो, तो ले लो, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा V नॉट। अब बताना तो पड़ेगा भाई कि किसका है, तो बताने के लिए C ऊपर लिख दिया कि भैया कैपेसिटर का है, नीचे V नॉट और ये R लिख दिया, तो tan phi इक्वल टू क्या आ गया V नॉट C अपॉन V नॉट R। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एम्पलीट्यूड वैल्यू और पी की वैल्यू का ये यूज कर रहे हैं। ओके V नॉट C अपॉन V नॉट R। अब वही बात फिर से, V नॉट की वैल्यू पुट कर दो I नॉट XC, अभी अभी पता है हमें, लिखी थी हमने पोटेंशियल निकाल देते हैं, V नॉट R की वैल्यू यानी पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर की वैल्यू क्या थी I नॉट R, यहां से I नॉट कट गए, तो एक और आ गई XC अपॉन R, वहां पे क्या आई थी XL अपॉन R, तो सेम चल रहा कि नहीं चल रहा, तो यहां से एक निकल आया tan y इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, और XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C, XC की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा C, तो 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R आप ये भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो tan phi यहाँ पे है, इट इज अगेन ऑब्वियस फ्रॉम द फेजर डायग्राम दैट द करंट इज अहेड ऑफ द ईएमएफ फेज एंगल phi, यानी यहाँ पर हमारा जो करंट है वो क्या है, अहेड है, यानी कि आगे है, यानी कि लीड कर रहा है, कितने एंगल से, phi एंगल से v से, सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन बाई उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की कितनी होगी, मैंने वही बता दिया था कि उस डायग्राम में करंट कितना एंगल बना रहा है उस पॉइंट पर, उस इंस्टेंट पॉइंट पर, उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी करंट की, वहां पर बना रहा था हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आई इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर उस पॉइंट पर, उस इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू चाहिए तो क्लियर है, वो ये हो जाएगी। तो आपको क्या पता चल गया, आपको फेज एंगल पता चल गया, और आपको ये पता चल गया कि इस सी आर सर्किट के अंदर कितना इम्पीडेंस है, या मैं कहूंगा कि कितना नेट रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, और उस सर्किट के अंदर कितना मैक्सिमम करंट हो सकता है, जो कि ये निकाला था आई नॉट, ये रहा आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। भाई फिर भी अगर डाउट रह गया हो ना, या कोई टॉपिक या कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो, वैसे तो मैं आपको बता दूं भाई पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 6 चैप्टर हो चुके हैं, 7 चैप्टर चल रहा है ये अपन का, और 7 चैप्टर में ही टॉपिक वाइज सीक्वेंस में चल रहा हूँ। फिर भी अगर लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट गया या समझ नहीं आया, भाई कमेंट करो, एकदम फ्रेश वीडियो लेकर आपको समझा दूंगा। अगर वो टॉपिक अच्छा हुआ या मुझसे गलती से छूट गया होगा, तो अपन एक वीडियो सेपरेट बना के उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। या कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाएं, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। Thank you so much.